हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं संगीता, आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए कोई ब्लॉग लेके नहीं आई, मतलब थोड़ा थोड़ा मिक्स है, ब्लॉगिंग भी है बट और एक अच्छा सा सबका जो आजकल ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं बस वही बनाने जा रही हूँ, यानी पिज्जा। तो डोमिनोज स्टाइल पिज्जा बनाएंगे, तो चलिए किस तरह से बनाती हूँ। और इसमें मेरी अंकल आंटियों ने मेरी हेल्प की है। तो आज मैं ब्लॉग में आपको नहीं दिखूंगी क्योंकि सारा जो काम है आंटी लोगों ने किया, तो आंटी लोग ही दिखेंगे। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। कोई नए है, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? मांगू क्या कर रहे हो? झाड़ू मार रहे हो? देखो इधर देखो, आपको झाड़ू मारना आता है? कैसे मारे झाड़ू? ऐसे? वाह, मेरा बेबी, मेरा क्यूट बेबी। देखिए फ्रेंड्स, कितना छोटा सा बच्चा घर झाड़ू कर रहा है। नहीं, घर झाड़ू कर रहा है। देखे मुंह, देखे मुंह, देखे 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 देखे, इश, इश। मेरा क्यूटी पाई। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैदा, मैंने आधा मतलब 500 ग्राम मैदा लिया है, उसमें इस टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर रही हैं। और उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और बेकिंग सोडा, और इसको अच्छे से हम लोग गूंद लेंगे। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे, और इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, तो इसमें हम दही जो होता है ना, दही से ही हमें इसको अच्छे से गूंदना है। दही आप जब 500 ग्राम मैदा ले रहे हो ना, तो उसके हिसाब से दही ले लीजिएगा। तो मेरा कम से कम 500 ग्राम दही लग गया था इसमें। अच्छे से मतलब अच्छे से दही से ही गूंदना है इसको, पानी एकदम यूज़ नहीं करना है। पानी यूज़ करने से आपका जो पिज़्ज़ा का बेस होगा ना, वो अच्छे से फ्लपी नहीं होगा, वो हार्ड हो जाएगा, तो वो खाने में एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, हमारा आटा गूंद चुका है, मतलब मैदे को आंटी ने लगा दिया अच्छे से। और फिर उधर आंटी सारी सब्जियां जो कट करी, जो मुझे पिज़्ज़ा में डालना है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, बड़ा सा पतीला मैंने लिया है और उसमें 1/2 किलो नमक डाल रही हूँ। और उसको अच्छे से हम लोग चारों तरफ फैला देंगे और उसके ऊपर स्टैंड लगाएंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसके जगह पर कटोरा यूज़ कर सकते हो। जो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे ना, प्री हीट करेंगे ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे। है ओवन बन के रेडी हो चुका है। तो इधर हम लोग थाली में थोड़ा सा, आपके पास अगर बटर है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बटर नहीं था तो हम लोगों ने ऑयल यूज़ किया है। तो ऑयल लगाने के बाद ये जो नॉर्मल से पेपर आते हैं ना घर के, न्यूज़पेपर हो या फिर बच्चों के कोई पुराने पेपर वगैरह हो, तो वो सब हम इसमें लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे या फिर ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो आपके पास अगर ब्रश है तो ब्रश से भी आप लगा सकते हो या फिर हाथ से भी। तो सबसे अच्छा मुझे लगता है ब्रश से हाथ, क्योंकि हैंड से हम लोग अच्छे से उसको स्प्रेड करके बना लेते मतलब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं गई थी किचन में देखने के लिए कि हमारा जो हांडी वाला ओवन हम लोगों ने बनाया है वो अच्छे से प्री हीट हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स, अब क्या करना है ना, जो हम लोगों ने 500 ग्राम के मैदा का जो आटा लगाया था, तो उसको 250 ग्राम्स में दोनों को भाग करके और इस तरह से हम लोग इसको थाली पे स्प्रेड करेंगे। और उसके बाद एक सर्कल्स लाइन बनाएंगे, उसके बाद फोक से इसको हम लोग को इस तरह से बनाना है ताकि इसमें एयर टाइट मतलब एयर अच्छे से निकल जाए और ये केक की तरह फूले ना। और ये देखिए, टॉपिंग के लिए मैंने लिया है टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम, कॉर्न और पनीर, आपको जो पसंद है। फ्रेंड्स, इतने ही वेजिटेबल्स हम लोगों ने लिया था टॉपिंग के लिए। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कैरेट भी क्रश किया जा रहा है, ऊपर से हम लोग देंगे, जब घर में अवेलेबल था तो डाल देते हैं इस पर, बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा टमेटो सॉस सबसे पहले पिज़्ज़ा के ऊपर लगाया गया, और उसके बाद पिज़्ज़ा पास्ता सॉस था तो वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा लगा दिया। और ये देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है ना, बहुत अच्छा भी बना था, तो मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी।
बहुत ही अच्छे से बना था। मार्केट से क्या होता है ना, जब हम लोग लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे का भी होता है और वो मन भर के हम लोग खा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए 200-300 का हम लाते हैं, इतने सा पिज्ज़ा मिलता है तो घर में इतने सारे आदमी रहते, थोड़ा थोड़ा बाइट मिलता है और अच्छा भी नहीं लगता उतना। तो इससे अच्छा आपको अगर मन करे तो आप घर में इस तरह से बना के आराम से जितना मन करे खा सकते हो। तो ये देखिए हमारा सारा वेजिटेबल्स पनीर सब कुछ रेडी हो चुका है। तो आंटी यहाँ पे अभी अमूल का जो चीज़ होता है ना ग्रेट कर रही है, तो मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, नॉर्मल वाला जो चीज़ होता वही था। तो हम लोग तीनों मिल के टीम वर्क कर रहे थे फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम की हूँ, ज़्यादा मेरे आंटी लोगों ने काम किया है, मतलब सारा जो रेसिपी था उन्हीं का था, बट मैं थोड़ा थोड़ा उनको हेल्प कर रही थी। और सेकेंड टाइम अब मैं खुद से बनाऊँगी तो आप लोग से ज़रूर मेरे अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ ना मैं खुद बनाऊँ खाऊँ, अच्छे लगेगा तब आप लोग से शेयर करूँ। हर रेसिपी में मैं वैसे ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बना था सच में, आप ज़रूर ट्राई करना। ऑलरेडी मेरे से पहले बहुत लोगों ने पिज़्ज़ा के रेसिपीज़ डाले हैं और मेरा इतना बड़ा चैनल भी नहीं है कि ये लोग देखेंगे, फिर भी मेरा जो काम है मैं वो करती जा रही हूँ, एक दिन तो कामयाब होना ही होना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, चलिए टमाटर को इस तरह से लगा के रख देंगे, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने चीज़ डाला उसके ऊपर से जो कैरेट डाला गया है ना, तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट ऑरेंज रेड ग्रीन, मतलब पूरा जो रैम्बो का कलर इसमें हम लोग डाल दिए हैं, बट सारा नहीं हो पाया, भी आप लोग से ऐसे ही बोल रही हूँ। और ये देखिए अनियंस है उसके ऊपर से दे रहे हैं, उसके बाद जो जो आपको वेजिटेबल्स पसंद करते हैं आपके घर में आप वो इसमें डाल सकते हो, जिसको जैसा मन अच्छा लगता है। और ये देखिए मशरूम सब डाल रहे हैं इसमें, और इसके ऊपर से हम लोग दे देंगे पनीर। और आज मैं बनाने वाले हैं हम लोग दो पिज़्ज़ा, तो सबसे पहले ये पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसके बाद और एक पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो ये देखिए बहुत सारा टॉपिंग हो गया था, तो बच गए थे बहुत सारे वेजिटेबल्स, तो हम लोगों ने सोचा कि और एक पिज़्ज़ा बना लेते हैं। और जो 250 का मतलब 250 ग्राम का जो आटा का लोई है ना मैदा का, वो भी तो रखा हुआ था, उसको भी बनाना। तो देखिए ऊपर से हम लोग कॉर्न डाल दिए, अब ऊपर से हम लोग डाल देंगे क्या चीज़, तो चीज़ को फिर से ग्रेट करेंगे। आपके पास जितना चीज़ है आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ से ही टेस्टी बनता है। तो मोज़रेला चीज़ हो तो क्या बात है, बट हम लोग के पास तो मोज़रेला चीज़ है नहीं है और हमारे यहाँ पर जल्दी मिलता भी नहीं है, तो जो सी चीज़ था उसी में हम लोगों ने बना दिया। ऐसे भी ये खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी बना था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आप लोग को ये पिज़्ज़ा की रेसिपी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करना, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, मैं दिल पे नहीं लूँगी क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स ये पिज़्ज़ा हमारा बनके रेडी हो चुका है, मतलब बनके नहीं, इसका टॉपिंग वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है बनके। तो अभी आंटी गई है इसको प्रीट ओवन में लगाने के लिए, तो देखिए आंटी पिज़्ज़ा को ओवन में डाल दी है, वो भी हंडिया वाली ओवन, हम लोगों की नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वालों का ओवन है ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब इसको हम लोग 30 मिनट्स का टाइम देते हैं, उसके बाद पिज़्ज़ा हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को 30 मिनट्स के बाद। तो जब तक हमारा पहला पिज़्ज़ा बनता है तब तक हम दूसरा पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं, और जितना सारा टॉपिंग बचा था ना इसमें सब हम लोगों ने डाल दिया है। और देखिए जितना भी बचा हुआ था वेजिटेबल सब कुछ इसमें डाल दिया, और ये सुपर टेस्टी बनने वाला है हमको पता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों ने टॉपिंग्स डाले हैं। और तो चलिए देख लेते हैं पहला पिज़्ज़ा। तो देख सकते हो पहला पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हो चुका है, और अभी हम इसे निकालेंगे बाहर। तो चलिए मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। पहला पिज़्ज़ा हम लोगों ने निकाल दिया है, तो ये सेकंड पिज़्ज़ा है, इसे देखिए अभी प्रीट का जो ओवन है उसमें हम लोग लगा देंगे, मतलब रख देंगे और ये बन जाएगा। पिज़्ज़ा कुछ इस तरह से बना है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, और ये अपने आप पेपर से छूट रहा है, मुझे इसे पेपर से मतलब ज़्यादा मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये पेपर को छोड़ रहा है, बहुत ही अच्छा बना। और ये सेकेंड पिज़्ज़ा अभी जाएगा हमारा हांडी वाला ओवन में, ठीक है। तो ये भी आपको मैं दिखाऊंगी, दोनों को कट करके दिखाऊंगी और कैसा बना है ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बनता है। जो आप बाज़ार में 200-300 दे के पिज़्ज़ा खाएंगे मन भी नहीं भरता, आप ऐसे घर में बना के आराम से खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है, विश्वास करो या ना करो, घर में ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। देख सकते हो अब मैं फर्स्ट वाला पिज़्ज़ा कट कर रही हूँ, और देखिए कितना स्मूथ बना है और बहुत अच्छे से ये कट चुका है, और ये देख सकते हो टॉपिंग भी बहुत अच्छे से इसमें स्प्रेड हो गया है सारा, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो
एक बाइट आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप भी पिज़्ज़ा इंजॉय करें। और अगर सच बताऊँ, अगर देने का रहता ना, मैं आपको ज़रूर देती। और ये सेकंड वाला पिज़्ज़ा देख सकते हो कितना अच्छा है। ये जो हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल दिया था वो कितने अच्छे से क्रैकलिंग हो रहा है। तो अभी देखिए मैं आपको निकाल के ये पिज़्ज़ा दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये हो चुका है, बस थोड़ा सा और 5 मिनट। अभी 25 मिनट्स हो रहे हैं और 5 मिनट्स के बाद 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये पिज़्ज़ा भी मेरा बन के रेडी हो जाएगा। तो आज का वीडियो कुछ इस तरह, जो पीछे का था ना वो पूरा ब्राउन हो गया था, मतलब हल्का ब्राउन हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये गर्म है अभी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हाथ में लेने के लिए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा से बना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, पीछे से हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसको भी मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। और ये चलिए ये वाला वाइट भी आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, हे गाइस, तो आप सभी को पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो पंखा को मैंने ऑफ करके रखा है, आप देख सकते हो। तो इसी वजह से मेरा फेस में इतने सारे जो है ना पसीना हो गया है। और आप सभी को पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आती प्लीज़ लाइक करिएगा, पसंद नहीं आती तो प्लीज़ डिसलाइक करिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।